सियासत में कब क्या और कैसे हो जाए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी का एक ताज़ा उदाहरण दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की शराब घोटाले को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने अपना रुख और तेज कर दिया है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जेल में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके जो एक और विशेष जो मंत्री हुआ करते हैं जो जैन साहब हैं वो जेल में है। अब अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और ईडी ने पूछताछ के बाद कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कदम तो अब माना जा रहा है जिसमें कि राघव चड्ढा तक इस जांच की आंच पहुंच चुकी है। राघव चड्ढा की हाल ही में पंडिती चोपड़ा से सगाई की बातों को लेकर के एक तरफ चर्चाएं चल रही थी, वहीं दूसरी ओर अब शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद राघव चड्ढा जाहिर है कि मानसिक तौर पर थोड़े से परेशान होंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर एक व्यापक नज़र से देखें, व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में झोलमोल भी नज़र आ रहा है और स्पष्ट तौर पर ये नहीं है कि आखिर क्या घोटाला किया गया है, कैसे इसमें स्कैम किया गया है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कैसे इसमें लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, राजनीतिक जो पैनापन है और राजनीतिक जो बदले की भावना है वो ज़्यादा नज़र आ रही है इसमें। अरविंद केजरीवाल के बाद अब राघव चड्ढा का नाम आना ये बताता है कि अब आम आदमी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और हो सकता है कि जल्द ही जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं संजय सिंह उन तक भी ये आंच पहुंच जाए। संजय सिंह, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से दब नहीं रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अब अलग अलग जांच एजेंसियां उनको निशाना बना रही हैं, उनको जांच के दायरे में ला रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों जब पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था और वो वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम हर सवालों का जवाब देंगे, हर तरह से आपको कोऑपरेट करने को तैयार हैं, कहीं तो ये साबित हो जाए कि शराब घोटाला हुआ है। लेकिन उसके बाद से अब जिस तरह से ईडी की चार्जशीट में नाम आया है उससे तो साफ ये जाहिर होता है कि अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। और मीडिया में एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई होनी थी, जो निश्चित हुई थी, अभी डेट और जो उसकी प्लेस है वो ज़्यादा फिक्स तो नहीं हुआ था कुछ, लेकिन फिर भी सुगबुगाहट थी कि इनकी इन दोनों की सगाई होने वाली है और वो भी अब पोस्टपोन होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि ईडी की रडार पर राघव चड्ढा चढ़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी चढ़ चुकी है और ऐसे में नोटिसों का दौर जारी है, पूछताछ का दौर जारी है, एजेंसियों की छापेमारी जारी है और अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या रुख अख्तियार करती है, क्या स्टैंड लेती है और आने वाले चुनाव में क्या इसका कुछ लाभ आम आदमी पार्टी के विपक्षियों को मिल जाएगा, क्या जो लोग इन चीज़ों को करा रहे हैं क्या उनको कोई इसमें बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और इस तरह की तमाम घटनाओं की जानकारी के लिए आप फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें ई रेडियो इंडिया।